हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेट एकेडमी प्लस। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम है फ्लूइड मशीनरी। हम अपने कौन से मॉड्यूल में हैं? हम थर्ड मॉड्यूल में हैं और हम सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के अब क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस वाले वीडियो में हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे? 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के ऊपर। अब ये क्या होगा, उसी वीडियो का पार्ट 2 होगा। हम आगे और क्वेश्चन देखेंगे कि इसके ऊपर, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के ऊपर। हम जितने भी क्वेश्चन बना रहे हैं आप इनको एकदम अच्छे से समझ लेते हैं, अब इनके कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं होंगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम के हों, गेट के हो या कोई भी अदर एग्जाम्स के हो, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप के ऊपर आते हैं, और वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। आप ये क्वेश्चन बनाने के बाद खुद घर में ट्राई भी कर सकते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स वही हैं, हमने हर चीज कवर करी है। यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं होंगे जो आपसे नहीं बनेंगे। हम क्या कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन बना रहे हैं उसमें अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन बनाएंगे कि क्वेश्चन में कभी कैसे पूछ देता है, कभी आपको कुछ चीजों को कैसे निकालना पड़ता है। जैसे अभी हम जो क्वेश्चन शुरू करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन हमारे सेंट्रीफ्यूगल पंप का, इसमें क्या रहता है, हमें U2 की वैल्यू निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद लेनी पड़ती है। ठीक है, तो हम ऐसे हर अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस हम करते जाएंगे। आप पूरे क्वेश्चंस को देखिए, अच्छे से समझिए, कोई भी ऐसे अदर्स क्वेश्चन नहीं होंगे जो आपसे नहीं बन पाएंगे। आप अपने कॉन्सेप्ट लगा के सब चीजें बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन, नंबरिंग भी कंटिन्यू करते हैं। 3 क्वेश्चन हमने बना लिए प्रीवियस वीडियो में, फोर्थ क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन 4 है हमारा, अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज रनिंग एट 1000 RPM। ठीक है, हमें स्पीड दिया है पंप की कितनी है, 1000 RPM। तो हम क्या करते हैं, साथ ही साथ अपना गिवन वैल्यूज को भी लिखते हुए चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या दिया है, स्पीड दिया है और कितनी बोल रहा है, 1000 RPM। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या बोलता है, द आउटलेट वेन एंगल ऑफ द इंपेलर इज 45 डिग्री। ठीक है, मतलब वेन एंगल दे रहा है आउटलेट में 45 डिग्री, और वेन एंगल आउटलेट में 45 क्या होता था, phi, और उसकी वैल्यू दिया है हमें 45 डिग्री। आगे पढ़ते हैं, एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट द आउटलेट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फ्लो वेलोसिटी दिया है आउटलेट में, कॉन्स्टेंट नहीं बोला है, इनलेट की भी नहीं बात किया है, सिर्फ आउटलेट की वेलोसिटी दिया है। तो देखते हैं कितनी दिया है, VF2, और कितना मैग्नीट्यूड है उसका, 2.5 मीटर्स पर सेकेंड। आगे चलते हैं, द डिस्चार्ज थ्रू द पंप इज 200 लीटर्स। ठीक है, हमें डिस्चार्ज दिया है कितना, 200 लीटर्स दिया है, कोई दिक्कत नहीं, मीटर के ऊपर सेकंड में हम इसको चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमारा पूरा चीज उसी में चलता है, वो यूनिट्स में चलता है, और कुछ नहीं करना है। 200 को हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो किसमें आ जाएगा, मीटर क्यूब में। मतलब डिस्चार्ज हमें कितना दिया है, 0.200 मीटर क्यूब पर सेकंड में। ठीक है, लीटर्स पर सेकंड है, उसको हम मीटर क्यूब में चेंज कर लिए। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, व्हेन द पंप इज वर्किंग अगेंस्ट ए टोटल हेड ऑफ 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर हमें हेड भी दिया है, और ये हेड हमारा कौन सा रहता है, जो पंप में दिया रहता है वो होता है मैनोमेट्रिक हेड, और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 20 मीटर्स। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, इफ मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ द पंप इज 80%, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी भी दी गई है हमें 80%, डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ द इंपेलर, और क्या नेक्स्ट चीज क्या निकालने बोला है, द विड्थ ऑफ द इंपेलर एट आउटलेट। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं, हमें मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी दी है, कितनी दी है, 80%, तो कितना, 0.80, और हमें क्या क्या निकालना है, विड यहां पे बोला है डायमीटर ऑफ द इंपेलर। ठीक है, जब भी आपको ऐसा बोलेगा डायमीटर ऑफ द इंपेलर, इसका मतलब क्या है, D1 तो नहीं बोलेगा, वो आपको D2 ही निकालने बोल रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, जब भी आपको बोलेगा डायमीटर ऑफ द इंपेलर निकालिए, तो बड़ा डायमीटर निकालेंगे, छोटा डायमीटर क्यों निकालेंगे। ठीक है, और सेकंड चीज क्या बोल रहा है, द विड्थ ऑफ द इंपेलर एट आउटलेट, तो यहां से भी हम समझ सकते हैं, और सेकंड चीज क्या निकालने बोला है, हमें B2 निकालने बोला है। ये दो चीज क्या करनी है, हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि डायमीटर निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, D2 निकालना है तो U2 की जरूरत पड़ेगी, तभी हम पाई DN/60 करके निकाल सकते हैं। U2 क्या होती है, आउटलेट की टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब U2 हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो U2 हम पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना वेलोसिटी ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, हमें ज्योमेट्री से समझने में मदद मिलेगी। ये हमारी कर्व्ड वेन्स, ठीक है, और अच्छे से बना सकते हैं इसको। वेलोसिटी ट्रायंगल बनाते हैं जल्दी से, हम इतने बार बनाए हैं कि आपको आसानी से याद हो जाएगा कि कैसे वेलोसिटी ट्रायंगल हम बनाते हैं। ये V1 हमारा, ये रहता है U1, और ये क्या रहती है हमारी, रिलेटिव वेलोसिटी VR1। ठीक है, ये होता है हमारा 90 डिग्री रहता है अल्फा,
और ये रहता है थीटा, इनलेट का एंगल। वी डब्ल्यू वन क्या होता है? जीरो होता है। आउटलेट में देखें तो इस तरफ वी आर टू रहता है, इधर रहता है वी टू, बीच में वी एफ टू। हम आगे जाके क्या करेंगे, सिर्फ जियो ट्रायंगल का हिस्सा हमें जरूरत है, हम सिर्फ उसी को बनाएंगे। वी टू, वी आर टू, वी एफ टू, ये कॉम्पोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, वी डब्ल्यू टू, और ये पूरा हो जाएगा हमारा यू टू। ठीक है, एंगल की बात करें बीटा, और यही फाई हमें गिवन है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यू टू को कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यू टू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वी डब्ल्यू टू निकाल लेते हैं। वी डब्ल्यू टू की वैल्यू हम यू टू के फॉर्म में निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी दिए उसके एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, उसको सॉल्व करके उसके दो रूट से हम सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, तो आउटलेट का वेलोसिटी ट्रायंगल देखते हैं, तो यहां से हम कैसे कर सकते हैं, टेन फाई यूज कर सकते हैं। क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस, फाई के परपेंडिकुलर में क्या है, वी एफ टू है, और बेस में ये वाला डिस्टेंस होगा, मतलब यू टू माइनस वी डब्ल्यू टू। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां से वी डब्ल्यू टू निकालते हैं, इस टर्म को पूरा इधर दे देंगे, इसको नीचे ले लेंगे, और क्या करेंगे, वी डब्ल्यू टू हमको पॉजिटिव चाहिए तो उधर ले लेंगे और इसको इधर ले आएंगे। मतलब ये कैसे बनेगा, वी डब्ल्यू टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पूरा इधर चले गया, यहां पे तो यू टू था ही, यू टू माइनस, और ये पूरा नीचे इसके पास आ जाएगा, मतलब वी एफ टू बाई टेन फाइव। ठीक है, आसानी से समझ सकते हैं आप इसको, सिर्फ इधर उधर का ऑपरेशन हम कर रहे हैं। अब हम देखते हैं हमें वैल्यू किसकी किसकी गिवन है। वी एफ टू हमें गिवन है क्या क्वेश्चन में, बिल्कुल गिवन है, 2.5, और फाइव भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा वो कितना आता है, मतलब वी डब्ल्यू टू यू टू के टर्म में कितना आएगा, 2.5 डिवाइड बाई 10, 45 उतना ही आएगा, बिल्कुल। तो वी डब्ल्यू टू हमारा कितना आ जाएगा, यू टू माइनस 2.5। ठीक है, हम यू टू के टर्म में उसको निकालिए। अब हम क्या करते हैं, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी के एक्सप्रेशन को यूज करते हैं, देखते हैं मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन क्या होता है, यही हमें क्वेश्चन में गिवन है, और इसको हम कैसे निकालते हैं, एच एम इंटू जी डिवाइड बाई वी डब्ल्यू टू यू टू, यही होता है इसका एक्सप्रेशन। मैनोमेट्रिक की वैल्यू कितनी दी है, एफिशिएंसी की 0.80। मैनोमेट्रिक हेड भी हमें दिया गया है क्वेश्चन में, कितना, 20 मीटर, 20 इंटू 9.81 डिवाइड बाई वी डब्ल्यू टू को हम क्या रखते हैं, ये वाली वैल्यू रखते हैं, यू टू माइनस 2.5। ठीक है, तो यू टू माइनस 2.5, और एक वहां पे क्या रहेगा, यू टू तो रहेगा ही रहेगा, तो यहां पे यू टू भी आपके पास रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इधर उधर कर देते हैं, पहले तो इसको पूरा इधर ले लेते हैं, और इसको यहां पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके इधर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यू टू का स्क्वायर माइनस 2.5 यू टू। ठीक है, और इक्वल टू के इस तरफ कौन सी रहेगी, ये वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी, देखते हैं इसको सॉल्व करके पूरा कितना आएगा, 20 इंटू 9.81 डिवाइड बाई 0.80, 245.25। ठीक है, ये वैल्यू कहां आ गई, इधर आ गई, और इसको हम नीचे ले लिए, तो इन तीनों को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 245.25। चलिए इधर रख लेते हैं, फिर उसके बाद इक्वल टू को उसको इधर ले लेंगे, 245.25। अब इसको इधर ले लेते तो क्या हो जाएगा, u2 स्क्वायर माइनस 2.5 u2 माइनस 245.25 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या बन गई, हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, मतलब u क्या है हमारा u2 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब u2 के हमें दो रूट्स मिलेंगे। ठीक है, अब जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, वो फॉर्मूला हमारा क्या है, निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमारी x रहती है उसकी इक्वेशन में, तो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, यही हमारी इक्वेशन रहती है सॉल्व करने की, इसी से हम सॉल्व करते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, पुट करते जाएंगे, वैल्यूज को पुट करते हैं। ठीक है, बी क्या होगा, बीच वाले टर्म, ये ए बी सी क्या होता है, ए इसके साथ वाला जो टर्म कांस्टेंट रहता है वो, बी इसके साथ वाला, सी इसके साथ वाला। तो अब हम क्या करते हैं, इस वैल्यू में इक्वेशन को पुट करते हैं और देखते हैं यू टू की हमारी कितनी वैल्यू आती है। ठीक है, तो माइनस बी बोल रहा है, बी मतलब बीच वाला टर्म होगा बी, और वो ऑलरेडी माइनस है, तो वो क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब 2.5 हो जाएगा। ठीक है, बीच में प्लस माइनस अंडर रूट है, अंडर रूट में देखते क्या है, बी स्क्वायर है, मतलब 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। अब साइन देखते हैं, माइनस 4ac, 4 तो रहेगा ही, a u के साथ वाला है, 1 है इसकी वैल्यू, और c क्या है, माइनस
245.25, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 245.25, ठीक है। पूरे के नीचे क्या आएगा, 2a, a की वैल्यू क्या है, 1। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2.5 प्लस माइनस और नीचे 2 तो वैल्यू ही है, और इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं अंडर रूट के अंदर वाली टर्म को, 2.5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 245.25, 31 पॉइंट, पूरे रूट से निकल जाएगी वैल्यू, 31 पॉइंट आएगी 42, ठीक है। अब एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो देखते हैं U2 की दो वैल्यू कितनी आएगी। सबसे पहले हम 2.5 प्लस लेते हैं, 31.42 डिवाइड बाई 2, 16.96, ये एक रूट आएगा, मतलब एक वैल्यू आएगी। अब यदि हम माइनस ले लें तो कितनी वैल्यू आएगी, माइनस में आएगी 14.46, ठीक है। तो अब आप देखिए, टेंजेंशियल वेलोसिटी u2 कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकती। तो जो हमारी सेकेंड वाली वैल्यू है ये तो होगी ही नहीं, मतलब हम कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, ये वाली 16.96 मीटर्स पर सेकेंड, ये क्या आ जाएगा, हमारा u2 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, u2 हमें मिल गया, अब हम सिंपली क्या कर देंगे, डायमीटर निकालना है। u2 क्या होता है, पाई d2 n बाई 60, ठीक है। u2 की वैल्यू पता है हमें, 16.96, n हमें क्वेश्चन में दिया है, कितना आरपीएम दिया है, 1000 आरपीएम दिया है, और हमें क्या करना है, d2 निकालना है, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं, u को यहीं रखते, पाई नीचे आ जाएगा, n नीचे आ जाएगा, 60 ऊपर चले जाएगा। सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है, u2 हमारा कितना है, 16.96 इंटू 60 हो जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा, पाई, और n आ जाएगा कितना, 1000 है क्या, हाँ। तो आ गई हमारी d2 की वैल्यू, d2 हमारा कितना आ जाएगा, 0.323 मीटर, या इसको हम बोल सकते हैं 323 mm, दोनों जिसमें आप लिखना चाहें। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट चीज क्या निकालनी है, विड्थ निकालनी है आउटलेट में। तो विड्थ और डायमीटर, ये सब रिलेशन किससे हम मदद कर सकते हैं, डिस्चार्ज से हम निकाल सकते हैं। तब यहां डिस्चार्ज दिया हुआ है, तो नेक्स्ट चीज कैसे हम निकालेंगे, q = क्या होता है, डिस्चार्ज, और ये क्या होगा, पाई d2 v2 vf2, यही होगा, ठीक है। वैल्यूज देखते हैं, डिस्चार्ज हमें कितना दिया हुआ है, 0.20, ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकंड, पाई पता है, d2 अभी हमने कैलकुलेट किया, जिसको हम किसमें रखेंगे, मीटर में, 0.323, b2 ही हमको निकालना है, और vf2 की भी वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, कितनी, 2.5, ठीक है। तो 2.5 भी यहां लिख लेते हैं, अब सॉल्व करके देखते हैं, b2 वहीं रहने देते हैं, बाकी सारी वैल्यूज को क्या करेंगे, q के नीचे डिवाइड में दे देंगे, 00 डिवाइड बाई 0.323, पाई भी है मल्टीप्लाई में, और एक क्या आएगा, फ्लो वेलोसिटी 2.5, देख लेते हैं, 0.32t, पाई और 2.5, तो विड्थ हमारी कितनी आ जाएगी, जो b2 आएगा वो आएगा 0.078 मीटर, या हम इसको बोल सकते हैं 78 mm, ये क्या आ जाएगी, हमारी विड्थ आ जाएगी आउटलेट। यही दो चीज हमें क्वेश्चन में निकालने बोली गई थी और हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी एक अपने टाइप का क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि जो हमें एंगल्स हैं वो रेडियन में दिए गए हैं, तो आपको रेडियन में दिए रहेंगे तो आप कैसे करेंगे, तो उससे बेसिस पे ये क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या नई चीज है। गिवन वैल्यूज भी हम अपनी क्या करेंगे, लिखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन को रीड करते हैं, देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। अ सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज फॉलोइंग डायमेंशंस बता रहा है सेंट्रीफ्यूगल पंप के, इनलेट रेडियस 80 mm एंड आउटलेट रेडियस 160 mm, ठीक है। इनलेट एंड आउटलेट का रेडियस दिया है, यहां पे डायमीटर नहीं दिया है, ठीक है। तो R1 हमारा कितना दिया है, इनलेट होगा 80 mm, मीटर्स में करेंगे तो 0.08 मीटर, और R2 हमारा दिया है कितना, आउटर रेडियस 160 mm, मतलब 0.160 मीटर्स। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, द विड्थ ऑफ द इंपेलर एट इनलेट इज 50 mm, ठीक है। इंपेलर की विड्थ दिया है इनलेट में, तो मतलब क्या होगा, ये B1 हमारा
B1 कितना दिया है हमें, 50 mm, मतलब कितना होगा 0.05 मीटर। हम मीटर में कर लेते हैं क्योंकि सारी चीजें हम किस में रखेंगे, रखेंगे तो मीटर में ही, ठीक है। आगे बोल रहा है कॉमा बीटा लिखा है, देखिए बीटा वन बीटा टू लिया है, बीटा वन कितना बोल रहा है 0.45 रेडियन, बीटा टू बोल रहा है 0.25 रेडियन। तो ये जहां पे बीटा और ये दिया है, ये क्या दिया है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे वेन एंगल्स की बने हो, वेन एंगल इनलेट का और टू मतलब आउटलेट का। तो समझ जाएगा जब भी ऐसा आपको दिया हुआ है बीटा वन बीटा टू, तो ये क्या देता है, वेन एंगल देता है, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं हम, बीटा वन इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा, और ये कितना दिया है 0.45 रेडियन में दिया है, कोई दिक्कत नहीं। इसको कैल्सियम हम किस में रख लेंगे, रेडियन में रख लेंगे। आप इसको दूसरे फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको रेडियन की वैल्यू डिग्री में रखनी है, आपकी सारी चीजें सेम रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बीटा टू दिया है हमें, मतलब ये किसकी वैल्यू है, फाई की, वेन एंगल आउटलेट का, और कितना बोल रहा है 0.25 रेडियन, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोलता है, विड्थ ऑफ द इंपेलर एट आउटलेट, इंपेलर की विड्थ दिया है आउटलेट में और वो कितनी है 50 mm, ठीक है, मतलब B1 के ही बराबर है वो। तो यहां पे हम लिख लेते हैं B2 इक्वल टू B1, देखिए B1 विड्थ ऑफ द इंपेलर, ये देखिए 50 mm ये भी है, तो दोनों सेम है, ठीक है। निकालने क्या बोला है, एज्यूम शॉकलेस एंट्री। अब यहां पे जो ये बोला है शॉकलेस एंट्री, इसको हम यहां पे क्या डाटा लेंगे, इसको हम बोलेंगे, इसका मतलब क्या है, कोई लॉस नहीं हो रहा है, नो लॉस। शॉकलेस एंट्री मतलब क्या होगा, कोई लॉस ही नहीं होगा। तो इससे क्या है, ये हमारी मैनोमेट्रिक हेड जो हम निकालेंगे उसकी इक्वेशन में क्या करेगा, ये मदद करेगा। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द डिस्चार्ज एंड द हेड डेवलप्ड बाय द पंप व्हेन इंपेलर रोटेट्स 90 रेडियन पर सेकेंड। अब हमें यहां पर क्या दिया है, ओमेगा भी दिया है, ओमेगा मतलब क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी, और कितनी बोल रहा है 90 रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है। चलिए ये भी काम आएगा हमारा ओमेगा निकालने के लिए, और हमें बोला है डिस्चार्ज और हेड डेवलप्ड निकालने का, मतलब क्यों निकालने बोला है, और हेड डेवलप्ड बाय पंप मतलब कौन सा होता है, मैनोमेट्रिक हेड, ये दो चीज क्या बोल रहा है हमें निकालने बोला है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, हमें R1 R2 दिया है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं U1 U2 निकाल लेते हैं, ठीक है। U1 मतलब क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी इनलेट की, और U2 आउटलेट की। तो हम देखते हैं U1 कैसे निकालेंगे हम, U1 का फॉर्मूला क्या होता है, पाई D1 N बाय 60, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 को कर देते, तो हमारा क्या बनेगा, 2 पाई N बाय 60 एक बन जाएगा, और इनटू D1 बाय 2, ऐसा ले सकते हैं बिल्कुल। तो फिर हमारा U1 मतलब क्या हो जाएगा, 2 पाई N बाय 60 क्या होता है, ओमेगा होता है, और D1 बाय 2 क्या हो जाएगा, R1, ठीक है। दोनों वैल्यू गिवन है हमें, ओमेगा कितना दिया हुआ है हमें 90, और R1 हमारा कितना है 0.08, ठीक है। देखते हैं हमारा U1 कितना आता है, U1 की वैल्यू सॉल्व करते हैं, 90 × 0.08 7.2 meters per second, ठीक है। हमारी व्हील की टेंजेंशियल वेलोसिटी आ गई इनलेट में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेम जैसे हमने U1 निकाला है वैसे ही हम U2 भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल। U2 कैसे निकलेगा, ओमेगा तो वही रहेगा, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। इसका मतलब ओमेगा कितना दिया है हमें 90, और R2 दिया है हमें 0.160 मीटर। तो U2 देखते हैं हमारा कितना आ जाएगा, 90 × 0.160 14.4 meters per second मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। हमें क्या मिल गया, U1 और U2 मिल गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, मेन डिस्चार्ज निकालना है, ठीक है। डिस्चार्ज निकालने के लिए हमें क्या है, U पता है, D पता है, B पता है, तो हमें एक फ्लो वेलोसिटी चाहिए डिस्चार्ज निकालने के लिए, इनलेट आउटलेट की दोनों पता है। तो हम क्या करते हैं, इनलेट की वो निकाल लेते हैं फ्लो वेलोसिटी, और हम क्या करेंगे यहाँ पे ना, सिर्फ इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कैसा बनता है। ऐसे ही रहता है हमारा इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल, ठीक है। आगे जाके हम क्या करेंगे, जब भी हम अच्छे से एकदम सॉल्व करने लग जाएंगे तो हमें पूरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। यदि आप एकदम अच्छे से डायग्राम को समझते हैं तो आप ऐसी नॉर्मल जो जो आपको इनलेट या आउटलेट जो जो डायग्राम लग रहे हैं उसको आप बना के सीधा निकाल सकते हैं। VR1 और नीचे वाला क्या रहता है हमारा U1,
ये वाला एंगल क्या रहेगा हमारा थीटा, ये एंगल क्या रहता है अल्फा, ठीक है, यही रहता है हमारा इनलेट का वेलोसिटी ट्रायंगल। आगे जाके आपको इतने अच्छे से याद हो जाएगा कि आपको वेलोसिटी ट्रायंगल बनाने की भी जरूरत नहीं है, आपको याद रहेगा कि वो ट्रायंगल कैसे बनता है और आप सिंपली निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से क्या करते हैं, हम वी एफ वन निकाल लेते हैं, तभी तो हमारा डिस्चार्ज निकलेगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, टेन थीटा यूज करेंगे, ठीक है, क्या होगा परपेंडिकुलर और बेस उसका क्या है यू वन, U1 हम कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक है, हमें क्या निकालना है VF1 निकालना है। तो VF1 कितना होगा, tan थीटा इंटू यू वन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू रखते हैं, tan थीटा हमें कितना दिया हुआ है यहां पे 0.45, मगर वो किस में है, रेडियन में, रेडियन में है, और इंटू U1, U1 हमने कैलकुलेट किया है कितना 7.2, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रेडियन में ही सॉल्व करेंगे, याद रखिएगा। तो तभी आपका सही आंसर आएगा, या तो आप रेडियन की वैल्यू निकाल के यहां पे रख लीजिए डिग्री में, आप कैल्सी में भी सिंपली रेडियन में जाके इसको सॉल्व कर सकते हैं, अपने मूड में रेडियन ले लीजिए, और टेन देखते हैं 0.45, ठीक है, मल्टीप्लाइड में क्या करना है 7.2, 3.47 क्या आ जाएगी हमारे वी एफ वन की वैल्यू, 3.47 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, एंगल को रेडियन से किसमें चेंज करना है, डिग्री में। क्या आ गई हमारी वी एफ वन की वैल्यू आ गई, चेक कर लेते हैं, वैल्यू बिल्कुल सही है। अब हम आगे क्या करेंगे, अब सिंपली हम डिस्चार्ज निकाल लेंगे। डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, वी एफ वन निकाल लें, तो फर्स्ट वाला लेंगे पाई डी वन बी वन वी एफ वन, ठीक है। अब हमें किसमें दिया है यहां पर, रेडियस दिया है, डायमीटर तो नहीं दिया है, तो इसको हम कैसे कर लेते हैं, जो D1 है इसको हम 2R1 लिख सकते हैं, बिल्कुल B1 into VF1, क्योंकि R क्या होता है, R by 2 ही होता है D, तो D is equal to क्या हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते, पाई 2 into R1 हमारा कितना दिया हुआ है 0.08, ठीक है, उसकी भी वैल्यू ले लेते हैं 0.08 इंटू विड्थ तो सेम है 0.05 भी है इनलेट और आउटलेट की बिल्कुल, और उसके बाद वी एफ वन जो अभी हम कैलकुलेट किए कितना है 3.47, देखते हैं डिस्चार्ज कितना आएगा हमारा इसको सॉल्व करके, डिग्री में वापस कर लेते हैं 2 इंटू 0.08 इंटू 0.05 इंटू 3.47, देखते हैं हमारा डिस्चार्ज कितना आता है, बिल्कुल 0.0872 भी ले सकते हैं मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा डिस्चार्ज, जो हमें क्वेश्चन में फर्स्ट चीज हमें निकालने बोली गई है। अब उसके बाद हमें क्या निकालने बोला है, सेकंड चीज क्या निकालने बोल रही है, हेड निकालने बोला है, मैनोमेट्रिक हेड निकालने बोला है। मैनोमेट्रिक हेड हम कैसे निकाल सकते हैं, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी हमें दी है क्या, नहीं दी है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, मैनोमेट्रिक हेड निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो कंडीशन दिया है ना हमें, एज्यूम शॉकलेस एंट्री, ये यूज करेंगे। तो जब यदि कोई लॉस नहीं होगा, हम मैनोमेट्रिक हेड का एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि जब HM क्या होता है, पहली वाली टर्म क्या आती है, पावर जनरेटेड बाय इंपेलर, या मतलब जो इंपेलर वाटर के ऊपर हेड जनरेट कर रहा है वो वाला, माइनस लॉस इन पंप। सबसे पहला हम ये भी तरीका देखें मैनोमेट्रिक हेड निकालने का, ठीक है। अब जब पंप में लॉस नहीं होता है तो क्या होता है, एचएम किसके बराबर हो जाता है, जितना हेड इंपेलर इंपार्ट करता है वाटर को उसी के बराबर हो जाता है, मतलब क्या VW2 U2 by G इसी के बराबर हो जाता है, ठीक है। और क्या है, माइनस क्या रहता है, लॉस इन पंप, और शॉकलेस एंट्री है तो लॉस क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे और यहां से हम क्या करेंगे, एचएम निकाल लेंगे, ठीक है। मगर हमें यहां क्या है, यू टू हमें पता है, ठीक है, बस हमें वी डब्ल्यू टू की नहीं पता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें वी डब्ल्यू टू कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल यूज करते हैं और उसको बनाते हैं, सिर्फ आउटलेट के वेलोसिटी ट्रायंगल को, ऐसी रहता है आउटलेट का वेलोसिटी ट्रायंगल, ठीक है, सिर्फ उसी को बनाने की जरूरत है, वी टू वी आर टू वी एफ टू, ये वाला रहेगा हमारा फाई, ये बीटा रहता है हमारे हिसाब से, वी डब्ल्यू टू और पूरा क्या रहता है, Q1।
U2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, VW2 की वैल्यू निकालनी है। क्या हम U रिलेशन यूज करते हैं, tan का ही रिलेशन हम यूज करते हैं, तो कितना होगा tan phi, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब VF2, ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा U2 माइनस VW2। सारी वैल्यू पता है हमें, बस हमें क्या है VF2 नहीं पता है अभी हमें यहां, ठीक है। VF2 क्या करना पड़ेगा, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यहां पे क्या है, ये जो VF2 है यही हमको नहीं पता है, ठीक है। तो चलिए VF2 सॉल्व निकाल लेते हैं हम। पूछो कैसे, क्योंकि हमें डिस्चार्ज तो गिवन है, डिस्चार्ज हम निकाल लिए हैं, तो क्यों VF2 नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं VF2 कितना आएगा। क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई D2 B2 VF2 हो जाएगा, ठीक है। सारी वैल्यूज देखते हैं, डिस्चार्ज की वैल्यू देखिए बाजू में ही है, पाई D2 मतलब क्या हो जाएगा 2R2, और R2 की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, R2 है हमारा 0.160 मीटर, 0.160 मीटर गिवन है, ठीक है। विड्थ तो दोनों की सेम है 0.05। यहां से क्या करना है हमें, VF2 निकालना है, ठीक है। डिस्चार्ज देख सकते हैं आप बाजू में ही है, चलिए निकालते हैं 0.087 डिवाइड बाय पाई इंटू 0.160, 2 भी मल्टीप्लाई होगा क्योंकि वो रेडियस है, 2 इंटू 0.160 इंटू विड 0.05। देखते हैं हमारे VF2 की वैल्यू कितनी आती है, VF2 आएगा हमारा बिल्कुल सही 1.73 ही आएगा। तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें, VF2 मिल जाएगा कितना 1.73 मीटर्स पर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, इस VF2 को वहां पे यूज करेंगे और उससे क्या निकल जाएगा, हमारा VW2 निकल जाएगा, ठीक है। इसी को हम और अच्छे से कर लेते हैं, ये पूरे को इधर ले आएंगे, VW2 को उधर भेज देते तो पॉजिटिव हो जाएगा, इस टर्म को इधर ले आते तो नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, VW2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U2 माइनस VF2 बाई tan phi, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, यहां पे phi भी क्या है रेडियन में, देख सकते हैं आप जो beta 2 हमें दिया है 2.5 रेडियन पर सेकेंड। तो इसको आप सॉल्व भी करेंगे तो याद रखिएगा रेडियन में चेंज कर दीजिएगा अपने मूड को, रेडियन है, थीटा की वैल्यू 0.25 रेडियन है, बिल्कुल सही। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। U2 देखते हैं हमारा U2 कितना निकला है, U2 हमने सबसे पहले कैलकुलेट कर लिया है 14.4 U2 है, VF2 अभी हमने निकाला कितना 1.73 और पूरी वैल्यू। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 14.4 माइनस 1.73, ठीक है, मूड चेंज कर लेते, रेडियन ले लेते, 4 tan phi कितना दिया है 0.25, ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा VW2 कितना आएगा, 7.62, बिल्कुल सही, VW2 की वैल्यू आएगी हमारी 7.62 मीटर्स पर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, VW2 ही हम निकाल रहे थे, यही चीज हमारा मेन मकसद था यहां पे निकालना, तो VW2 हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहां पे पुट कर देंगे, कितनी वैल्यू है उसकी 7.62, ठीक है। U2 तो हमें पता ही हुआ है, देखते हैं सॉल्व करके कितना आएगा, वापिस से डिग्री में कर लेते हैं, 7.62 इंटू U2 है हमारा 14.4 डिवाइड बाय 9.81, देखते हैं हमारा हेड कितना आएगा, 11.18, बिल्कुल सही मीटर्स में आएगा। तो हमारा हेड आ गया मैनोमेट्रिक हेड, HM की हमारी वैल्यू आ गई 11.18 मीटर्स, और यही चीज, दो चीजें हमें निकालने बोला गया था क्वेश्चन, मैनोमेट्रिक हेड और डिस्चार्ज, ठीक है। तो हमने निकाल लिया और इसी के साथ होता है हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा 6th क्वेश्चन, ये भी एक अलग प्रकार का क्वेश्चन है, इसमें भी हम देखिए बहुत सारी चीज नहीं करेंगे, जैसे मैनोमेट्रिक हेड निकालने के लिए हम एक नया जो सेकेंड वाला हमारा रिलेशन था वो यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं और साथ ही साथ अपनी गिवन वैल्यूज को भी लिखते हुए चलते हैं। क्या बोलते हैं, पढ़ते हैं एक बार, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ एन इंपेलर ऑफ ए सेंट्रिफ्यूगल पंप्स विच इज रनिंग एट 1000 RPM आर 200 mm एंड 400 mm रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है कितनी 1000 RPM, और बोल रहा है इंटरनल,
ठीक है, मतलब डी वन, और वो कितना दिया है 200 mm, मतलब 0.2 meter, और डी टू दिया है 400 mm, 0.4 meter. आगे देखते क्या बोल रहा है, रेस्पेक्टिवली द डिस्चार्ज थ्रू द पंप इज 0.04 meter cube per second एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज कॉन्स्टेंट एंड इक्वल टू 2.0 meters per second. ठीक है, तो हमें एक डिस्चार्ज गिवन है Q 0.04 meter cube per second, और बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज कॉन्स्टेंट एंड इक्वल टू, मतलब वी एफ वन बराबर है वी एफ टू के, और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 2.0 meters per second. ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, द डायमीटर ऑफ द सक्शन एंड डिलीवरी पाइप आर 150 mm एंड 100 mm. ठीक है, हमें डायमीटर भी दिया है किसका, सक्शन पाइप का और डिलीवरी पाइप का जो पंप से कनेक्टेड है. ठीक है, और वो कितना बोल रहा है 150 mm और 100 mm. सबसे पहले सक्शन दिया है, तो डी एस से डिनोट करते हैं इसको हम, डायमीटर ऑफ सक्शन पाइप को 150 mm दिया है, मीटर ही में ले लेंगे 0.150 meter, और डी सब्सक्रिप्ट में स्मॉल डी, डायमीटर ऑफ सक्शन पाइप कितना बोल रहा है 100 mm. मीटर. ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोलते हैं. देखिए ये डाटा पहली बार दिया, डायमीटर सक्शन पाइप का और डिलीवरी पाइप का, इसके पहले हम कोई भी न्यूमेरिकल्स में यूज नहीं किए. आगे देखते हैं, एंड रिस्पेक्टिवली एंड सक्शन एंड डिलीवरी हेड्स भी दिया है आपको एब्सोल्यूट में, 6 meter और 30 meter. सक्शन एंड डिलीवरी हेड्स आर 6 meter एब्सोल्यूट एंड 30 meter, वाटर कॉलम में ही होगा. ठीक है, तो हमें दिया है एच एस, और वो कितना है 6 meter, और एच डी दिया है, ठीक है, वो कितना है 30 meter. ठीक है, सक्शन हाइट या सक्शन लिफ्ट भी बोलते हैं इसको, 6 और 30. आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, ऑफ द वॉटर रेस्पेक्टिवली इफ वेन एंगल एट आउटलेट इज 45 degree. ठीक है, हमें फाइव भी दिया गया है 45 degree, ये भी एक डाटा गिवन है, और एक क्या है, एंड पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पंप इज 16.186 kilowatt. ठीक है, हमें पावर भी दी है, और ये पावर कौन सी होगी, हमारी शाफ्ट पावर ही होगी, क्योंकि यही ड्राइव करेगी पंप को. कितना बोल रहा है 16.186 kilowatt. ठीक है, वेन एंगल हो गया, पावर हो गई. अब निकालने क्या बोला है, डिटरमाइन वेन एंगल ऑफ इंपेलर एट इनलेट. ठीक है, ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द पंप, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ द पंप. ठीक है, तो हमें क्या क्या चीज निकालने बोला है ये क्वेश्चन में, इनलेट का वेन एंगल, मतलब सॉरी थीटा निकालने बोला है हमें. इनलेट का वेन एंगल क्या होता है हमारा, थीटा. और क्या बोला है, दो ठोक एफिशिएंसी निकालने बोला है, ओवरऑल एफिशिएंसी और मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी. थीटा निकालने बोला है, ओवरऑल एफिशिएंसी, और थर्ड चीज है मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी निकालने बोला है. ये तीन चीज हमें कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. सबसे पहले हम क्या देखते हैं, थीटा देखते हैं हमारा, कि थीटा क्या होगा. अब थीटा के लिए हम क्या करेंगे, इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल यूज कर सकते हैं, बिल्कुल. देखते हैं कैसा रहता है, ऐसे वी आता है, ये यू रहता है, और ये हमारा हो गया वी आर वन, वी वन यू वन वी आर वन, ये अल्फा रहता है 90 degree, और ये क्या रहता है हमारा थीटा. ठीक है, वी वन किसके बराबर होता है, वी एफ वन के. ठीक है, जैसा वेन्स में बनाता हूं मैं वैसे ही बनाने की कोशिश कर रहा हूं इसको. सिर्फ इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल लेंगे, पूरा डायग्राम बनाने की नीड नहीं, हमें पता है कि कैसे बनता है. अब यहां से हम यदि थीटा निकालना चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं. कैसे, टेन थीटा क्या हो जाएगा, वी एफ वन बाई यू वन. ठीक है, वी एफ वन हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितना दिया है, फ्लो वेलोसिटी कॉन्स्टेंट भी है बोल रहा है, 2.0 हमें गिवन है. U1 हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, डायमीटर दिया है तो क्या टेंशन है, U1 हम निकाल सकते हैं कैसे, पाई डी वन एन बाई 60 करके, बिल्कुल. N हमें दिया हुआ है कितना, 1000 rpm दिया हुआ है हमें. D1 भी दिया है, D1 है हमारा 0.2 meter, तो यहां से क्या आ जाएगा, हमारा U1 आ जाएगा. देखते हैं U1 कितना आता है,
इंटू 0.2 इंटू 1000 डिवाइड बाई 60, 10.47, ये क्या आ गया हमारा U1 आ गया 10.47 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस U1 की वैल्यू को हम यहां यूज कर देते हैं, थीटा निकालना है, टेन इनवर्स कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है, 2 डिवाइड बाई 10.47, 10.81 डिग्रीज आ जाएगा हमारा थीटा, जो चीज हमें फर्स्ट चीज निकालने बोली है डिग्री। ठीक है, फर्स्ट आंसर आ गया हमारा। सेकेंड वाले कोई मेन लगेगा उसमें, वैल्यूज भी सही है। ठीक है, अब सेकेंड वाली चीज देखते हैं, हमें निकालने बोला है क्या, ओवरऑल एफिशिएंसी हमें निकालने बोला है। ठीक है, तो देखते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ओवरऑल एफिशिएंसी हम कैसे निकालते हैं, वाटर पावर। ठीक है, टर्बाइन के केस में हम ऐसे वाटर पावर बोलते हैं, मगर यहां पे क्या हो जाएगा, जो इंपेलर पावर दे देगा वाटर को उसको। ठीक है, नीचे क्या होगी हमारी, शाफ्ट पावर। शाफ्ट पावर हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 16.186 गिवन है। ठीक है, वाटर पावर को हमें 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा यदि हमें किलो वाट में चाहिए, तो हम क्या करते हैं, शाफ्ट पावर को नॉर्मली वाट्स में ले लेते हैं, 16.186 इंटू 10^3 वाट में ले लेते हैं, वरना हमें वाटर पावर को क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब वही है। और वाटर पावर हमारी क्या होती है, रो जी क्यू एच एम, यही होती है हमारी वाटर पावर, मगर क्या है यहां पे हमें एच एम नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, इसी एच एम को कैलकुलेट करेंगे किसकी मदद से, जो हमें डाटा दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ सक्शन पाइप, हेड ऑफ सक्शन पाइप, ये पूरे डाटा से हम क्या करेंगे, एच एम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, डिस्चार्ज हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना, 0.04। ठीक है, रो जी पता है हमें वाटर का होता है, तो हम क्या करते हैं, ओवरऑल एफिशिएंसी की वैल्यू मैनोमेट्रिक हेड के टर्म में निकाल लेते हैं। चलिए सॉल्व करके देखते हैं, रो हो जाएगा हमारा 1000, जी 9.81 इंटू 0.04, एच एम छोड़ देते हैं, और नीचे क्या आ जाएगा, 16.186 है इंटू 10^3, देखते हैं कितना आएगी ओवरऑल एफिशिएंसी हमारे एच एम के टर्म में, 0.0242, बिल्कुल सही। तो ओवरऑल एफिशिएंसी हमारी कितनी आ जाएगी, 0.0242 एच एम। ठीक है, मैनोमेट्रिक हेड के टर्म में आएगी ये हमारी। अब क्या करेंगे, हम एच एम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, हमें ओवरऑल एफिशिएंसी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं एच एम को भी, और हमें पता है कि मैनोमेट्रिक हेड निकालने का एक फॉर्मूला हम क्या यूज करते थे, पंप के आउटलेट की एनर्जी से पंप के इनलेट की एनर्जी हम माइनस कर देंगे तो हमें मिलता था। ठीक है, और हम क्या करते थे, उसमें बर्नौलीज इक्वेशन लगाते थे, जैसा हमने एक चीज सॉल्व करी है, और ये हम एक इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम फर्स्ट तरीके से मैनोमेट्रिक हेड निकालते थे उसका देखे, इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, हम जो अपने सेकंड तरीके से मैनोमेट्रिक हेड कैलकुलेट किए हैं अपनी थ्योरेटिकल वीडियोस में, वैसे कर रहे हैं। तो क्या होगा, आउटलेट माइनस इनलेट, तो आउटलेट में पूरा टोटल हेड लिखेंगे, टोटल हेड मतलब बर्नौलीज के हिसाब से काइनेटिक हेड, वेलोसिटी हेड, पोटेंशियल हेड। ठीक है, प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड और पोटेंशियल हेड, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पी जीरो बाई रो जी प्लस आउटलेट वी जीरो बाई स्क्वायर बाई 2G। ठीक है, 2G प्लस Z0, ये क्या है आउटलेट का, माइनस इनलेट देखते हैं, PI बाई रो जी प्लस VI स्क्वायर बाई 2G प्लस ZI। ठीक है, अब ये सब क्या है, पंप का इनलेट है और आउटलेट, यदि आप देखें तो यहां पे ये क्या है, पंप का इनलेट है ये वाला पोर्शन, और ये वाली वैल्यूज क्या है, आउटलेट की है, आउटलेट की दोनों क्या है, पंप के इनलेट का टोटल हेड, आउटलेट का टोटल हेड। अब हम देखते हैं यहां पे क्या क्या हो सकता है, तो जैसे हमें पता है पी जीरो बाई रो जी क्या होता था हमारा, हमने वहां पे भी देखा है अपने थ्योरेटिकल में, इसको हम क्या बोल सकते हैं, आउटलेट मतलब एच डी बोल सकते हैं, सेम वही वाला कंसेप्ट, पूरा पानी भर देते हैं, जितना नीचे आएंगे उसी का प्रेशर पॉइंट होगा, और हेड निकाल देंगे तो वही तो मीटर होगा। ठीक है, वी जीरो मतलब क्या होगी, ये जो डायमीटर जो डिलीवरी पाइप है उसका वेलोसिटी हेड होगा, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी डी स्क्वायर बाई 2G लिख सकते हैं, बिल्कुल
इसको देखेंगे जेड को, उसके बाद ये पी आई वाला, इसको हम एच एस बोल सकते हैं, ठीक है। नीचे वाला भले नेगेटिव होगा, मगर नेगेटिव वो कैसे होता है, हम हाइड्रोस्टेटिक के हिसाब से देखते हैं, मतलब मगर मतलब वही है जैसे हम इसको अपने थ्योरेटिकल में लिए। ये क्या हो जाएगा हमारा स्टैटिक हेड, और ये वी आई वेलोसिटी क्या होगी, सक्शन पाइप के अंदर की वेलोसिटी होगी, मतलब इसको भी हम लिख सकते हैं वी एस स्क्वायर बाई टू जी, ठीक है। अब हम डेटम का देखते हैं, पंप का इनलेट और आउटलेट क्या होगा, सेम लेवल पे ही होगा क्योंकि पंप ऐसे रखा है, तो इनलेट आउटलेट तो हम बोल सकते हैं ना सेम लेवल पे होगा, तो ये दोनों को टर्म को हम क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं हमारा एक्सप्रेशन क्या बच रहा है, एच डी, तो कैलकुलेट कर लेते हैं यहां से हम एच एम, एच डी की वैल्यू कितनी है, हमारी हेड दिया है हमें 30 मीटर प्लस, अब हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटीज निकालनी पड़ेगी, ठीक है। V0 और वी आई स्क्वायर हमें वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, बिल्कुल, क्योंकि क्या है हमें वेलोसिटी तो नहीं गिवन है सक्शन पाइप और डिलीवरी पाइप की, ठीक है, मगर हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें डिस्चार्ज पता है और दोनों के डायमीटर्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये दोनों डायमीटर्स दिए हुए हैं और हमें डिस्चार्ज पता है, तो ऑब्वियसली बात है हम अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं दोनों के लिए, देखते हैं क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू वी होता है। यदि मैं वेलोसिटी निकालना चाहूं तो वो क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए हो जाएगा, ठीक है। अब ये कौन सी होगी, यदि वेलोसिटी सक्शन पाइप की निकालता हूं मैं, ठीक है, तो एरिया क्या आ जाएगा हमारा, सक्शन पाइप का आएगा। सेम ऐसी यहां पे भी हम देख सकते हैं, यदि मैं डिलीवरी पाइप की वेलोसिटी निकालूं तो डिस्चार्ज तो सेम ही रहेगा, बस एरिया कौन सा रहेगा, डिलीवरी वाले पाइप का रहेगा। अब डिलीवरी सक्शन पाइप का एरिया रहेगा, मतलब क्या हो जाएगा, पाई बाय फोर इंटू डीएस का स्क्वायर, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये क्या है, डिलीवरी पाइप का है, ए डी एरिया, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारा, पाई बाई फोर इंटू डी डी का स्क्वायर, ठीक है। डिस्चार्ज देखते हैं हमें कितना गिवन है, डिस्चार्ज हमें क्वेश्चन में गिवन है क्या, बिल्कुल 0.04 गिवन है हमें क्वेश्चन में, तो डिस्चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.04, और यहां पे भी वैल्यू 04, ठीक है, हमें सब पता है। ये देख लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी है, डीएस कितना दिया हुआ है हमें, सक्शन पाइप का डायमीटर 0.150, इसकी वैल्यू हमें दी गई है 0.150, और डायमीटर डिलीवरी पाइप का कितना दिया गया है हमें क्वेश्चन में, 100 mm, 0.150 और 100 mm दिया हुआ है इसका, तो ये क्या हो जाएगा 0.100, ठीक है। देखिए कितने आसानी से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, चलिए सॉल्व करके देखते हैं इसको। तो यहां से क्या निकल जाएगी, सिंपली कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी इक्वेशन हम यूज कर रहे हैं, 0.04 पाई बाई फोर इंटू, पहले डैम सक्शन का निकाल रहे हैं हम, 0.150 का स्क्वायर, सक्शन की वेलोसिटी निकाल रहे हैं हम, देखते हैं कितनी आती है, 2.26, चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही, वी एस हमारा कितना आ जाएगा, 2.26 meters per second। यदि आप एकदम सही से अप्लाई करते हैं, सारी वैल्यू अच्छे से रखते हैं, तो आपका आंसर अलग आएगा ही नहीं आएगा, सेम ही आंसर आएगा। हमें क्या निकल गई, वेलोसिटी निकल गई सक्शन पाइप की, और हम यहां की भी निकाल सकते हैं, तो सेम हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज तो वही है, डायमीटर को हम चेंज कर देंगे, 100, देखते हैं कितनी वेलोसिटी आएगी, BD हमारा कितना आएगा, 5.09 meters per second, ठीक है। हमें वेलोसिटी मिल गई दोनों की, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वेलोसिटीज को यहां पे हम यूज कर लेंगे वेलोसिटी हेड के फॉर्म में। तो V0 क्या है, VD square कितना है, 5.09 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 9.81, ठीक है। ये इनलेट आउटलेट का हो गया, इधर का देखते हैं HS हमें दिया हुआ है वैल्यू 6 meters एब्सोल्यूट में, प्लस VI, मतलब ये क्या है, VS सक्शन पाइप की वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी कितनी है, 2.26 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 9.81, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, अपना मैनोमेट्रिक हेड निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, 30 + 5.09 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 9.81 माइनस एच एस है अपना 6 प्लस 2.26 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 9.81। देखते हैं हमारा मैनोमेट्रिक हेड कितना आता है, 25.06, बिल्कुल सही, 25.06
मीटर, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा, मैनोमेट्रिक हेड आ गया। अब हम इसको क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, ताकि हम क्या कर सके, अपनी ओवरऑल एफिशिएंसी निकाल सके। अब देखिए ओवरऑल एफिशिएंसी को हम एचएम के टर्म में निकाल चुके हैं, अब सिंपली हम क्या करेंगे, यहां से हम अपनी ओवरऑल एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, बिल्कुल 0.0242 इनटू मैनोमेट्रिक हेड अपना कितना आया है 25.06। तो देखते हैं हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी आएगी, 0.0242 इनटू 25.06, 60% आएगी हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी। आंसर सही है, बिल्कुल सही है, ओवरऑल एफिशिएंसी आएगी 0.60, मतलब आप बोल सकते हैं कितना, 60%, ठीक है। तो जो हमें एक और चीज क्वेश्चन में निकालने बोली गई थी, हमने क्या किया, उसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे हमें क्या निकालने बोला है क्वेश्चन में, आगे वाली चीज देखते हैं। थर्ड चीज हमें निकालने बोला है मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, ठीक है। मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है, एचएम मतलब मैनोमेट्रिक हेड, जी डिवाइड बाई वीडब्ल्यू टू यू टू, यही होता है मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला। देखते हैं क्या क्या वैल्यू है, एचएम है, जी तो पता ही रहता है, वीडब्ल्यू टू नहीं है अपने पास, और यू टू, यू टू हम कैलकुलेट किए हैं क्या, नहीं हम यू टू भी कैलकुलेट नहीं किए हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक चीज पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं यू टू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो U2 क्या हो जाएगा, पाई डी टू एन बाई 60, ठीक है। N देखते हैं हमें कितना गिवन है, N तो 1000 RPM है, और D2 हमारा कितना है 0.4, ये भी गिवन है हमें। तो देखते हैं U2 कितना आएगा हमारा, सॉल्व कर लेते हैं इसको भी, D 0.4 इंटू 1000 डिवाइड बाई 60, 20.94 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा, यू टू आ गया, यू टू मिल गया हमें। अब बस हमें एक चीज की जरूरत है, वी डब्ल्यू टू निकालने की, बस हमें क्या निकालना पड़ेगा, वी डब्ल्यू टू निकालना पड़ेगा। अब वी डब्ल्यू टू हम कैसे निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ट्रायंगल से ही निकाल सकते हैं। तो चलिए आउटलेट का वेलोसिटी ट्रायंगल बना लेते हैं, यहां पे पंप का बीच वाला क्या, वी एफ टू, वी टू, वी आर टू, ऊपर वाला क्या रहता है वी डब्ल्यू टू, और पूरा क्या रहता है हमारा यू टू, ठीक है। ऐसे ही रहता है फाई बीटा, आउटलेट का वेलोसिटी ट्रायंगल ऐसे ही रहता है। हमें फाई क्वेश्चन में गिवन है क्या, चेक करते हैं, बिल्कुल फाई भी हमें गिवन है, 45 डिग्री आराम से हम वी डब्ल्यू टू निकाल सकते हैं। वी एफ टू फ्लो वेलोसिटी तो कॉन्स्टेंट है, क्वेश्चन में ऐसे ही बोला गया है, ठीक है। तो यहां पर हम लगाते हैं अपना टेन फाई लगाते हैं, टेन फाई क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और बेस का ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर में क्या है वी एफ टू है, और बेस में क्या होगा यू टू माइनस वी डब्ल्यू टू, वी डब्ल्यू टू, ठीक है। वैल्यूज देखते हैं, वी एफ टू गिवन है क्या हमें, वी डब्ल्यू टू तो पहले हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वी डब्ल्यू टू क्या हो जाएगा यू टू माइनस वी एफ टू बाई टेन फाई, बिल्कुल ऐसी हो जाएगा, ऊपर आया VW2 को पॉजिटिव ले लिए, इसको इधर नेगेटिव ले लिए। अब हम वैल्यूज डालते हैं, VF2 की वैल्यू हमें गिवन है क्या, बिल्कुल फ्लो वेलोसिटी कांस्टेंट बोला है, और बोला है 2 मीटर्स पर सेकंड, तो इसकी वैल्यू क्या गिवन है हमें 0.2, ठीक है। और हम देखते हैं U2 हमने कैलकुलेट किया है, यहां पर देख सकते हैं 20.94, और phi की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है 45 डिग्री। तो यहां से हम वी डब्ल्यू टू निकाल सकते हैं, बिल्कुल 20.94 माइनस 2.0 डिवाइड बाई 10 45 18.94, चेक कर लेते हैं वी डब्ल्यू टू की वैल्यू हमारी सही है कि बिल्कुल सही। मैंने बोला सारी वैल्यू आप सही रखेंगे तो कभी आपका आंसर गलत आएगा ही नहीं। वी डब्ल्यू टू आ रहा है हमारा 18.94 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा VW2 आ गया, मिल गई हमें VW2 की वैल्यू, निकाल लेते हैं सीधा हम मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, हम बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम पूरी वैल्यू ले लेते हैं, HM तो हम निकाल ही लिए हैं, ऊपर VW2 हमारा कितना आया है 18.94
94, ठीक है, सारी वैल्यूज है हमारे पास। मैनोमेटर की एफिशिएंसी देखते हैं कितनी आती है, 25.06 इंटू 9.81 डिवाइड बाई 18.94 इंटू U2 कितना आया था, 20.94। देखते हैं मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी कितनी आती है हमारी, बिल्कुल सही 61% आ रही है, 0.61 या हम बोल सकते हैं 61%। पॉइंट में भी लेना चाहें आप आगे तो ले लीजिए, बिल्कुल ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो ये तीन चीज जो हमें क्वेश्चन में निकालने बोली थी हमने क्या करी, कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए टोटल इस वीडियो में, इतना ही। नेक्स्ट वाले वीडियोस में हम और सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी हमें मिनिमम स्पीड के भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, स्पेसिफिक स्पीड मॉडल टेस्टिंग के बारे में भी कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।